इतना ज़्यादा ख़राब VFX और इतना ज़्यादा हेट मिलने के बाद भी आदिपुरुष मूवी जो है वो अभी भी 500 से 1000 करोड़ तक छू सकती है, क्योंकि भाई लोग इसका बहुत सारा रीज़न है, लेकिन सबसे मेन रीज़न तो यही है कि इसकी स्टोरी जो है वो रामायण पर बेस्ड है, और रामायण के लिए हम लोग जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, हम बचपन से रामायण देखते आए हैं बहुत सारे रूप में, कार्टून के रूप में भी हमने देखा है जो कि हमें उतना ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इस बार हम लोग 700 करोड़ वाला कार्टून देखने वाले हैं। हाँ, प्राउड करो भाई, दूसरे देश में 100-200 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगते होंगे किसी एनिमेशन सीरीज़ को बनाने में, मूवी को बनाने में, लेकिन इस बार आदिपुरुष की टीम ने ये दिखला दिया है कि 700 करोड़ में भी कार्टून मूवी बनाया जा सकता है। और इसका एक और मेन रीज़न है भाई कि ये मूवी हिट होगी, वो रीज़न है भाई लोग प्रभास, और प्रभास इसमें श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ही कई खतरनाक है भाई, जिसमें से मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ और आप भी होंगे मेरे को पता है। तो भाई लोग आदिपुरुष मूवी जो है उसमें बहुत सारे और रीज़न है जिसके लिए वो हिट हो सकती है, जैसे कि उसके सॉन्ग्स, तो भाई लोग बहुत सारे रीज़न हैं। बाकी 16 तारीख को देखते हैं कि मूवी किस हद तक जाती है।